year, I won it 2 years back. So, yeah, it's always a very exciting place to be at. One of the biggest awards on TV in India. This is another one here in 2016. Wish them all the best. And they're always larger than life. And they always have a rocking show to give. So, yeah, happy about it. What are you looking forward for this event tonight? For tonight? Yeah. First, there are some real cool performances happening. So, looking forward to that. And I'm sure there'll be some kind of a stand-up comedian doing his bit. Last year was good too, and the year before that also. So let's see this year who's doing it and you know, who's going to entertain us for the night. Something you want to say to the audience? Don't run to the bank to change your notes. I haven't ran as yet, taking it calm. So yeah, things will happen, things will fall in place, but it's for our betterment, just keep that in mind. And it's for our good. So, and that will definitely help us. Love you guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम दोनों इनफैक्ट रिसेंटली हम दोनों वी हैव सीन हिम सिंगर फॉर द डिफिकल्ट टाइम एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट आई मस्ट से एंड वी होप कि सब कुछ अच्छे से जाए और परफॉर्मेंस वाइज ओवरऑल एक्ट बहुत अच्छा सब लोग अप्रिशिएट करें बिकॉज फॉर एन आर्टिस्ट इट्स द appreciation is the most important thing, I think. And jahan tak nomination ka sawal hai, so my best wishes are with him, and I wish him luck. And let's hope for the best. Same here. Same, all my wishes to him that he will rock the show. Performance start ho gayi hai unka, yahi hai. Hame dekhni hai. मैं ये आईटीआई के साथ 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ. जब सोनपरी स्टार्ट हुआ था तब ये अवार्ड भी स्टार्ट हुए थे 2000 में, और मुझे अभी भी याद है किस किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया अनुरंजन और शशि रंजन जी ने, और अभी इस इतने बड़े लेवल पर उसे पहुँचाया है. मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ अनुरंजन और शशि रंजन जी को. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 16 साल हो गए हैं
और ये देखिए मेरी बेटी भी 16 साल की हो गई है, तो उसके साथ साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है ये आईटा अवार्ड के साथ साथ, जब वो छोटी थी और तब से हम आते हैं हर साल। 16 साल सोनभरी में हो गए, 16 सालों की आपकी जो जर्नी है उसके बारे में, आईटी के साथ की जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आईटी के साथ मतलब जब से सोनपरी स्टार्ट हुआ उसके बाद सांस आया और उसके बाद कयामत आया, अभी दिया बाती है। हर साल ये इतना मेजमराइज करते हैं दर्शकों को और हमें भी। मैंने तो एक दो साल पहले मैंने काफ़ी परफॉर्म भी किया था उसमें, तो मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहता हूँ इस अवार्ड को लेकर, तो आज भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग जाने देंगे तो मैं बैठ जाऊँ और मैं प्रोग्राम का लुत्फ उठाऊँ। दर्शकों को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दिया बाती जो शो है अभी दो महीने पहले ऑफ एयर जैसा लग रहा था, लेकिन सीज़न टू को लेकर हम बड़े उत्साह के साथ, बड़ी ही मस्ती के साथ, बड़े जोरों शोरों के साथ हम फिर से आपके मनोरंजन करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए और प्रोग्राम देखिए, और ये पहले सीज़न से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। हम फिर मिलेंगे दियाबाती सीजन टू के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. I am wearing pink peacock. It's a blue high-low gown with a rusty gold design on it, and the makeup and hair is done by me. आज की शाम टेलीविजन के सितारों के नाम प्लस अ फ्यू फिल्म स्टार्स एंड काफ़ी सारे परफॉर्मेंस होने वाले। आई थिंक इट इज स्टार्टिंग विद गुरमीत परफॉर्मेंस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत लोग परफॉर्म कर रहे हैं मुझे, मैं किस किस का बोलूँ, श्रीति मोनी सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं और ऑल ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स, तो किसी ना किसी का परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही जाएगा। बट आई मिस्ड गुरुज परफॉर्मेंस। चिल्ड्रंस डे, इसके ऊपर यही कहेंगे कि अच्छे से चिल्ड्रन लोग पढ़ाई करें तो हमारे देश के भविष्य और उज्ज्वल हो जाएगा। थैंक यू। Thank you.
मुझे 10 साल हो गए आईटी में आते आते, साल से मैं एक 10th जुबली बना रहा हूँ आईटी में। इट्स वेरी वेरी गुड एंड कि ऐसे एनुअल डे होना ही चाहिए। मेरे ही शो की आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही है करिश्मा तन्ना। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर परफॉर्मेंस। मैंने उसे कहा था कि मैं 7:30 आ जाऊँगा। करिश्मा मैं 7:30 आ चुका था, लेकिन मेरे फैंस को मेरा जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। Good actors have been in the top 5, so really feels good. And what do you want to say about ITA? Good at Indian television academy. It was first time I've been hearing about it, and I've been nominated for that, and good, I'm doing good for the Indian television industry. Because it's the whole of the television industry of India which is participating in this, so that's the more exciting. शूटिंग करती हूँ तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, दिल्ली सोप के चक्रों में फंसी रहती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, तो इसीलिए मैं सारे मज़े लेने के लिए इस बार आई हूँ। शिल्पा जी काफ़ी फैंस इंतजार कर रहे हैं, तो कहाँ आप जल्दी नजर आने वाली? हाँ, मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं बड़े पर्दे पर आऊँ, लेकिन आई बिलीव क्वालिटी वर्क, तो उस पर भी मैं बहुत सोच समझ के काम करना चाहती हूँ। इसलिए अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मैं कुछ कर दूँगी मैं क्या करूँ। वैसे आपके अटायर के बारे में काफ़ी सिंपल सिटी सी लग रही है, आप अपने अटायर के बारे में क्या कहना चाहिए? थैंक यू। अगर मैं सिंपल में भी बड़ी लग रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे गहने और ताम झाम में देखते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कह सकते हैं। चलिए, कितने एक्साइटेड हैं? मतलब रेड कार्पेट भी चलना होता है अभी यहाँ पे, आप दोनों जान चाहेंगे? और एक्साइटेड अगर अवार्ड में आपको अवार्ड जी, हम लोग भी नॉमिनेटेड हैं। मैं आसिफ सर हैं, मैं हूँ, शुभांगी है, भाभी जी घर के ऑलमोस्ट पूरी टीम नॉमिनेशन में है। तो कहना यही चाहूँगा कि सारे अवार्ड जीत के ले जाने हैं उठा के। काफी लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी,
मेरा परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, बट हम सिर्फ दर्शक बने के देखना चाहिए। उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि आईटा एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, ये टेलीविजन का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको भी मिले उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे मैं तो सिंपल आदमी हूँ, बिल्कुल सिंपल ही तरीके से आता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का नाम सुशांत सर का भी है। बस मैं तो चाहती हूँ सारे अवार्ड्स भाभी जी के ऊपर, सारे अवार्ड, सारे किसी आज सबके हाथ में एक अवार्ड होना चाहिए, और अब यही रहेंगी और इन्हें रहना भी चाहिए क्योंकि यही बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक्स मैम। मैम आज अभी आपकी जो जितने भी भाभी जी के हैं सदस्य सभी के सभी नॉमिनेट हैं, कैसा लग रहा है? हाउ मच एक्साइटेड? वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई रियली वांट कि भाभी जी की टीम के सारे लोग ही आज अवार्ड लेके यहाँ से जाएं, और इससे अच्छा मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे डेट का अगर आपने डिफरेंट तरीके का अपना अटायर, आपके अटायर के बारे में जानना चाहिए। दिस साड़ी इज गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड, तो आज बस मेरा लकी चार्म है, लेट्स सी कि उनका ये कितना चलता है आज का, ये जो मैंने मेरे हस्बैंड का चॉइस पहना है। वैसे सबके आपको अंदर अभी परफॉर्मेंस दिख रही है, काफ़ी जोर शोर से तैयारी, उनके बारे में क्या कहना है? डांस परफॉर्मेंसेस तो मुझे बहुत पसंद होते हैं, बेसिकली आई एम अ डांसर, तो जब भी डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड अभी बस जाके देखना चाहती हूँ अंदर की क्या क्या चल रहा है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। जी बस 16 ईयर्स, स्वीट 16, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? आज ये बल अभी तक तो ये बालक था, आज जवानी की ओर कदम रख रहा है। भाई हम लोग तो अब क्या है कि इतने सालों से, अब आप हमें बूढ़ा नहीं कह सकते लेकिन ये वेटरन हो गए, लेकिन हमेशा जितने नए लोग आते हैं उनके लिए अवार्ड फंक्शन और ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि पहली बार वो ट्रॉफी उठाना, माइक पे आना, कुछ बोलना, तो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी की करियर के लिए। तो तैयार होने में वक्त नहीं लगता, कपड़े ढूंढने में टाइम लगता है। अवार्ड्स तो अब एक्सपेक्ट तो हर आदमी करता है, बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। आपको पता है कि आपने और मेरे फैंस ने बहुत प्यार किया है, और माय रोल मॉडल जो डायरेक्टर है
शो को मिल रहा है विजन को इज नॉमिनेटेड रुबीना इज नॉमिनेटेड प्रोडक्शन हाउस नॉमिनेटेड राइटर्स आर नॉमिनेटेड सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग इवनिंग Sorry? AIDA Awards के लिए सोलवा साल चल रहा है Well, I wish them the very best. उनकी वजह से हम जैसे लोगों को सराहना मिलता है We get inspired to work harder and a lovely evening to spend. काफी लोगों के अंदर परफॉर्मेंस हो रही है आप अभी जा ही रहे हैं कितने एक्साइटेड आप इस परफॉर्मेंस के लिए हमेशा की तरह AIDA के जो परफॉर्मेंसेज होते हैं बहुत लाजवाब होते हैं बहुत इंटरटेनिंग होते हैं और मैं यहाँ खड़े रह के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं अंदर जा रहा हूँ थैंक यू काफी लोग अरे मैं भी नॉमिनेटेड हूँ अगर मैं अपनी कैटेगरी की बात करूँ तो दे लॉट ऑफ पीपल हुआ फ्रेंड्स ऑल्सो एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर मुझे ज़्यादा होप नहीं है बट इफ आई विन ग्रेट एंड आई जस्ट वांट टू विश देम एंड कंग्रेचुलेट देम एंड विश देम लक कि यू नो जिनको मैं जानता हूँ वो जीते हम सबको पता था कि शक्ति को अवार्ड मिलना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूवर्स जिन्हें शक्ति पसंद आया और इतना वोट किया कि आप लोगों का अवार्ड आप लोगों ने अवार्ड जिताया थैंक यू वैसे आप भी AIDA अवार्ड जब जीत चुके हैं क्या कहना चाहेंगे वेरी एक्साइटेड येट वेरी नर्वस फर्स्ट एक्सपीरियंस होप फॉर द बेस्ट जी ये सुरभि से बहुत हटके है बट वेरी सिंपल येट एलिगेंट सुरभि तो बहुत ट्रेडिशनल है यस आई एम हैप्पी चिल्ड्रंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द व्यूअर्स एंड अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए जितनी मौज मस्ती कर सकते कीजिए थैंक यू आपको एंड तक यही मिलेगा आज की शाम बड़ी मज़ेदार लग रही है बड़ी अच्छी झिलमिल लाइटें और हम लोग भी सब तैयारियों में आए हैं और बड़ी जल्दी इतना प्यार शो को मिल जाएगा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं नॉमिनेटेड भी हूँ और बेस्ट एक्टर कॉमेडी की कैटेगरी के लिए तो आप देखते हैं अंदर क्या होता है बड़ी मैं चाहता था कुछ साजन अग्रवाल से अलग हटके तो थोड़ा मैं डिफरेंट गेटअप करके जो मैं शो में नहीं हूँ वैसा ट्राई किया है देखते हैं मैं इतना फैशन फ्री हूँ नहीं और ना मुझे इतना सेंस है बट कुछ पहनने की कोशिश की पता नहीं लोगों को पसंद आएगा तो अच्छा है ऐसे कुछ नहीं मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि क्या परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं सरप्राइज है मेरे लिए सारा तो बस अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या अच्छा मोदी जी के रिजर्वेशन से आप कितना मैं तो बहुत खुश हूँ
मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी मैं नॉमिनेटेड ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे वही है कि मैं शायद मार्केट में आया वो नया नोट हूँ जिसकी अभी ऑडियंस को वैल्यू नहीं है, तो शायद आने वाले समय में उसकी भी वैल्यू हो जाएगी, तो अभी पुराने ही चलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। चिल्ड्रंस डे पे मैं कहना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों को तो कोई टेंशन होती नहीं है, तो खुश रहें और बिल्कुल ऐसे ही टेंशन फ्री रहें, हंसते रहें, और बच्चों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो हम ऐसे ही उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक छोटी सी पोयम पोयम चंदा मामा दूर के पूरी गिराएं पूर के, आप खाएं थाली में मुन्ना को दे प्याले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ है